अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिछले 2-3 दिन से ये काबा शरीफ वाली वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देखें कि वहां जो हुज्जाजे कराम है, तो हुज्जाजे कराम को जो सिक्योरिटी गार्ड, जो पुलिस वाले हैं, वो लोग धक्का दे रहे हैं, यानी कि जो उमराह करने के लिए गए हैं उन लोगों को धक्का दे रहे हैं। तो इस वीडियो का वायरल होने का एक रीजन ये है कि आज से पहले काबा शरीफ के इस तरीके की वीडियो कभी भी सामने नहीं आई है कि वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो पुलिस है, वो हुज्जाजे कराम को तरीके से धक्का दे। तो इस वीडियो के मुताबिक बहुत सारे लोग जो कमेंट कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, हालांकि इस वीडियो की जो हकीकत और सच्चाई है बहुत कम लोगों को मालूम है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको इस वीडियो की सारी हकीकत बताता हूं कि वहां की जो पुलिस है तमाम हुज्जाजे कराम को जो तवाफ कर रहे हैं उन लोगों को धक्का क्यों दे रहे हैं। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं। तो इस वीडियो को आपने देख लिया कि किस तरीके से जो वहां की पुलिस है तमाम तरह हुज्जाजे कराम को जो वहां पर मौजूद है वो धक्के देकर साइड कर रही है, और काफी ज्यादा भीड़ भी है। आपने देखा कि एक रस्सी बीच से तनी हुई है और तमाम तरह लोगों को धक्का दिया जा रहा है। तो आइए इस वीडियो की सच्चाई जान लेते हैं, ताकि जो लोग कमेंट कर रहे हैं उन लोगों तक आप बात ये पहुंचा सके कि इस वीडियो की सच्चाई क्या है। तो अब मैं बताता हूं कि जहां पर पुलिस वाले हुज्जाजे कराम को धक्का दे रहे हैं वो जगह जो है तवाफ करने की जगह है, यानी कि काबतुल्ला पर जहां तवाफ किया जाता है, काबे का जो तवाफ किया जाता है, तो ये वही जगह है। और उस जगह का खास करके साफ सफाई को लेकर के बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। हालांकि आप शहर मक्का देख लें या काबा शरीफ देख लें, काबा शरीफ के इर्द गिर्द देख लें, साफ सुथराई का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है और हमेशा आपको साफ सुथरा ही मिलेगा। तो मसला यहाँ पर यह है कि जहां तवाफ किया जाता है और साफ किया जाता है, तो सब तवाफ करते करते ही साफ किया जाता है, यानी कि हुज्जाजे कराम जो तवाफ करते हैं तो तवाफ को रोका नहीं जाता है। तवाफ करते करते बीच में जो सफाई करने वाले लोग हैं वहां पर बीच में एक रस्सी तान देते हैं दो तरफ, और आसानी से वो बीच में सफाई करते जाते हैं और सफाई करते करते निकल जाते हैं। तो इस वीडियो में भी इसी तरीके का मामला हुआ कि तवाफ करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी, और जब सफाई करने वाले वहां पर पहुंचे और रस्सी जब तानी, तो तानने के बाद जो हुज्जाजे कराम थे, जो तवाफ करने वाले थे, उन लोगों को वो लोग हटा रहे थे, साइड कर रहे थे कि ताकि आप लोग साइड हो जाइए और हम लोग अच्छे से सफाई करते हुए आगे निकल जाए। तो उन लोगों ने, किसी ने भी बात नहीं मानी। तो फिर वहां की जो पुलिस थी, जो सिक्योरिटी गार्ड थी, वो लोग सामने आए और सामने आकर के हुज्जाजे कराम को समझाया।
तो हुज्जाजे कराम को समझाने के बाद बावजूद भी हुज्जाजे कराम समझे नहीं, यानी कि ज्यादा भीड़ थी, जो लोग आगे निकल चुके हैं वो अब आगे ही जाएंगे, पीछे आ नहीं सकते हैं। तो इसकी वजह से पुलिस वाले रस्सी के किनारे किनारे आप देख रहे होंगे वीडियो में कि लोगों को साइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि वो साइड हो जाए और रस्सी के बीच में एक रास्ता खाली हो जाए, साफ अच्छी तरीके से ये लोग कर सके आसानी से। तो बस इस वीडियो की यही सच्चाई है कि वहां पर साफ सुथराई का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, लोगों को हटाया जा रहा है, साइड किया जा रहा है ताकि अच्छे से यहाँ पर सफाई कर सके। बस इस वीडियो में यही है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि वहां पर लड़ाई भी हो गई, हुज्जाजे कराम को मारा गया वगैरह वगैरह, हालांकि ये तमाम चीजें फेक है। इस वीडियो की जो सच्चाई थी मैंने आपको बताई, यही सच है। इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में जरूर शेयर करें ताकि जो लोग नहीं जानते हैं इस वीडियो के बारे में वो सच्चाई इस वीडियो की जान जाए। और बाकी मुझे बोलने में और समझाने में कोई कमी बेशी रह गई हो तो आप जरूर मेरी सलाह करें, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।